बेटे या बेटी के विवाह में बाधा आ रही है, कहीं पे बात चल रही है, आपको डर है कि बात बनेगी नहीं, आपको डर है कि जहां बात चलाते हैं हम, बेटे या बेटी की, शायद सामने वाले लोग ना बोल देंगे। दोस्तों, अगर ऐसा डर है तो आप एक छोटा उपाय करें। एक ऐसी डिब्बी में आधी डिब्बी चावल की भरे, अंदर 9 लौंग डाल के रख दे, ऐसे पैक करके बेटे या बेटी की जिसका भी बेडरूम है वो बेडरूम में पश्चिम वाले कोने, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में इस डिब्बे को रख दे। कब तक रखेंगे? जब तक बात पक्की ना हो जाए तब तक, जब तक मंगनी तय हो जाए या तो विवाह ना हो जाए तब तक ये डिब्बी को वैसे ही रखेंगे। बाद में विवाह हो जाने के बाद ये चावल को और लौंग को कोई भी बड़े पेड़ के नीचे जाके बिखेर दे। ईश्वर आपका आभार बोल के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ मुकेश जानी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, गौशाला की मिट्टी, गौमूत्र वाली मिट्टी, गौशाला की मिट्टी में, गौमूत्र वाली मिट्टी में सभी ग्रहों का वास होता है। गौशाला की मिट्टी अति पवित्र मिट्टी है। घर में रखने मात्र से सुख समृद्धि धन धान्य बढ़ता ही रहता है। आपकी जन्म पत्री में, आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, मगर गौशाला की मिट्टी आपके घर में रखते हैं तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके जीवन में बननी चालू हो जाती है। दोस्तों, जहाँ गाय खड़ी रहती है वहाँ के सभी वास्तु दोष और नजर दोष दूर हो जाते हैं। मगर आजकल हमारे मकान ऐसे हो गए, फ्लैट ऐसे हो गए हैं, घर ऐसे हो गए कि हम गाय को रख नहीं सकते, मगर ये एक छोटा प्रयोग तो अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय बताने से पहले हर दिन की तरह आज भी आप सभी से नम्र निवेदन, वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आप गौशाला जाइए, एक बैग में, पॉलीथीन बैग में जितनी हो सके उतनी, एक मुट्ठी दो मुट्ठी जितनी हो सके उतनी मिट्टी ले आए। मिट्टी गौमूत्र वाली मिट्टी लेनी है दोस्तों। घर पे मिट्टी लाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से छान ले, साफ कर ले। अब समझ लो आप एक मुट्ठी मिट्टी लाए हैं तो उसमें 4 चुटकी हल्दी की डालें, 4-5 चुटकी हल्दी की डालें, मिट्टी को थोड़ी पीली कर दें आप।
एक पैक डिब्बी में भर के रख दे। हर दिन सुबह में स्नान करने के बाद वो मिट्टी से आपके मुख्य द्वार पे और दूसरा आपके रसोई घर में, आपके रसोई बनाते हैं वहां प्लेटफॉर्म पे पूर्व की दिशा की तरफ, समझ लो अग्नि कोण में आपका रसोई घर है, तो पूर्व में आप एक स्वस्तिक बनाए। दूसरा, सुबह उठने के बाद हल्दी और गौशाला की मिट्टी से मुख्य द्वार की बाहर की बाजू दो स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक बनाने के समय मिट्टी और हल्दी का जो आपने मिक्सचर रखा है उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। गंगा जल नहीं है तो घर का शुद्ध जल भी चलेगा। दोस्तों, प्रयोग छोटा है, उपाय छोटा है, मगर सटीक है। आपके पूरे परिवार को बॉटम से टॉप की तरफ ले जाना जाने वाला यह प्रयोग है। आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकेगा। बस दोस्तों, आज यहीं पे विराम लेता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम।